सोलन के कृष्ण मंदिर में चक्रधर स्वामी जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया, सैकड़ों दिए भी इस मौके पर कृष्ण भक्तों ने मंदिर के प्रांगण में जलाए। गीता पाठ से जयंती समारोह का आगाज हुआ। ये जानकारी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजीव कोहली ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि चक्रधर स्वामी ने धरती पर जीवों के उद्धार के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि वे गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुँचाते थे, ये परंपरा अभी तक जारी है। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजीव कोहली ने बताया कि आज चक्रधर स्वामी की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते मंदिर में गिने चुने भगत ही इस जयंती में हिस्सा ले पाए हैं। उन्होंने बताया कि आज मंदिर में भक्तों द्वारा 800 दिए जलाए गए, क्योंकि उनके स्वामी आज से 800 वर्ष पहले धरती पर आए थे। उन्होंने कहा कि ये जयंती पंजाब, महाराष्ट्र और समूचे भारत में धूमधाम से मनाई जा रही है और प्रत्येक मंदिर में 800 दिए जलाकर उन्हें समर्पण किया जा रहा है। इस मंदिर में आज हम लोग जो पर्व मना रहे हैं वह है श्री चक्रधर महाराज की जयंती का पर्व, जो कि हम हर साल मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। श्री चक्रधर स्वामी जी का पर्व ये हम आज, उनका आज जन्मदिन है, हम ये मना कोरोना की वजह से धूमधाम से नहीं मना पा रहे, तो हमारे संचालक, हमारे भक्तों ने, भक्तानियों ने, बच्चों ने इसका डेकोरेशन किया है और बाहर 800 दिए जलाए हैं। 800 दिए जलाने का मतलब आठवीं शताब्दी, मतलब कि हमारे चक्रधर स्वामी जी को जन्म लिए हुए, अवतार लिए हुए इस यूनिवर्स में 800 साल से ऊपर हो गए हैं। श्री चक्रधर स्वामी जी हमारे एक अवतार हैं श्री परमेश्वर के, जो कि 800 साल पहले इस यूनिवर्स में आए थे। उन्होंने गीता के ही उपदेश दिए हैं। तो ये प्रथा हमारे कई मंदिर हैं नॉर्थ इंडिया में, सब जगह इस तरह से पर्व मनाया जा रहा है।